हेलो चिल्ड्रंस, टेक आउट योर लिटरेसी स्किल बुक एंड ओपन पेज नंबर 60। टुडेज आवर टॉपिक इज टॉप एंड बटम। फर्स्ट टॉपिक इज टॉप एंड बटम। टॉप मीन्स ऊपर, बटम मीन्स नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी विल हेल्प सम पिक्चर्स। इसको समझने के लिए हम एक पिक्चर्स कुछ पिक्चर्स लेंगे। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट आर दिस। आप लोग बता सकते हो ये क्या है? दिस ऑल आर बटरफ्लाई। ओके, तो मैंने क्या बोला, टॉप मीन्स ऊपर, बटम मीन्स नीचे। नाउ यू हैव टू टेल मी हुज बटरफ्लाई एट द टॉप। आप लोग अभी बताओ तो कौन सा बटरफ्लाई टॉप में है एंड हुज बटरफ्लाई एट द बटम, और बटम में कौन सा है। दिस बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई कौन सा पोजिशन में है, टॉप पोजिशन में है। ठीक है, बिकॉज दिस बटरफ्लाई इज ऑन द फर्स्ट। ओके, एंड दिस बटरफ्लाई इज ऑन द लास्ट पोजिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बटरफ्लाई कौन सा पोजीशन में है, बटम पोजीशन में है, नीचे है, और दिस बटरफ्लाई टॉप पोजीशन में। ठीक है, अभी देखो, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब पिक्चर को देखने के लिए बोला, यहाँ पे पिक्चर किसका पिक्चर है, ये बहुत सारा कार्ड्स है और यहाँ पे है बॉल्स। ठीक है, द कार्ड्स आर ऑन द टॉप और बटम सेल्फ। कार्ड सब कहाँ पे है, बटम सेल्फ पे है ना, टॉप सेल्फ में। टॉप मीन्स ऊपर, तो इसीलिए कार्ड सब कहाँ है, टॉप में है ना, तो टॉप को सर्कल करना है। और बॉल्स कहाँ है, बटम सेल्फ, नीचे है ना, तो इसीलिए द बॉल्स आर ऑन द बटम सेल्फ। ओके, समझ में आया टॉप एंड बटम। नेक्स्ट टॉपिक अप एंड डाउन। हम लोग बोलते हैं ना हेड अप हेड डाउन, मतलब हेड उठाओ हेड नीचे करो बोलते हैं ना। तो हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं ना, थम्स अप थम्स डाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं अप और इसको बोलते हैं डाउन। ठीक है, थम्स अप थम्स डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ड, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द करेक्ट वर्ड। द बॉय इज लुकिंग अप और डाउन। ये बॉय कहाँ पे देख रहा है, ऊपर देख रहा है ना, तो आप मतलब आप में देख रहा है, तो आपको सर्कल करना है। द गर्ल इज लुकिंग डाउन, मतलब नीचे देख रहा है, तो अप और डाउन, डाउन, तो डाउन पे सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ओवर एंड अंडर। ओवर मीन्स किसी चीज के ऊपर, ऊपर में, ऊपर से जो जाता है, मतलब ऊपर। ठीक है, ओवर, और किसी चीज के नीचे से जो कुछ जाता है, मतलब हम कुछ चीज नीचे रख, टेबल के नीचे रख देते हैं तब हम क्या बोलेंगे, अंडर। और जब टेबल के ऊपर कुछ रख देंगे तब क्या बोलेंगे, ओवर। ठीक है, कुछ चीज़ जाने से भी हम लोग ओवर एंड अंडर बोलेंगे, ऊपर से, मतलब किसी चीज़ के ऊपर से कुछ जाने से रखने से हम लोग बोलेंगे ओवर। ओके, और नीचे रखने से बोलेंगे अंडर। द बसेस आर ओवर अंडर द ब्रिज। ब्रिज, वेयर आर बसेस, बसेस सब कहाँ है, ओवर द ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर से जा रहा है ना, तो ब्रिज के ऊपर में है बसेस। वेयर इज द बोट, बोट कहाँ पे है, द बोट इज अंडर द ब्रिज, मतलब ब्रिज के नीचे से, नीचे में है, इसीलिए अंडर द ब्रिज, अंडर को सर्कल करना है, इसमें ओवर को सर्कल करना है। ये देखो, नेक्स्ट है इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो यहाँ पे बैग के अंदर रखा है चीज, तो क्या होगा, इनसाइड। जब बाहर रखेंगे तब हो जाएगा आउटसाइड। द बुक्स आर इनसाइड आउटसाइड द बैग। ये बुक्स कहाँ पे रखा हुआ है, इनसाइड द बैग, मतलब बैग के अंदर रखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनसाइड में सर्कल करेंगे। द पेंसिल इज इनसाइड आउटसाइड द बॉक्स। पेंसिल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर तो नहीं है, तो इनसाइड तो नहीं होगा, तो क्या होगा, द पेंसिल इज आउटसाइड द बॉक्स,
द पेंसिल इज इनसाइड द बॉक्स नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो नहीं है, तो आउटसाइड में है, मतलब बाहर है, तो इसीलिए द पेंसिल इज आउटसाइड द बॉक्स. ठीक है, ओके, बाय बाय.